हेलो हाउ आर यू माय फ्रेंड, आप देख रहे हैं फिफ्ट टेक्निकल चैनल। ये जो पीसी बोर्ड है सैमसंग का स्प्लिट एसी का है और ये इसमें अपन एक मॉड्यूलर लगाए थे, ठीक है, तो ये भी जल गए हैं। और इसका क्या रेट वायर है जो आईसी से जा रहा है ट्रांसफर को, और ये जो हो गया जो माइनस पे लगा है, ठीक है, जो माइनस वोल्टेज में लगा है जो यहाँ से डाइट से जो कन्वर्ट हो रहा है माइनस वोल्टेज से, और ये वाला जो रेट वायर है डायरेक्ट जो यहाँ से ट्रांसफार्मर पे लगा है, ये वाला ट्रांसफार्मर का जो लगा ना वहाँ से यहाँ पे लगा ये वाला वहाँ, ठीक है। देखिए फिर ये वाला पॉइंट ये वाला यहाँ पे आया, ये वाला यहाँ पे जो चार पिन आपस में शॉर्टेज है तो वहाँ पे ब्लैक वायर है और यहाँ पे ये है। और इसका जो सैमसंग का ये वाला अभी रिमूव कर देना, इसमें तो कितना पार्ट्स लगा है, ये वाला लगा है ट्रांजिस्टर आईसी का, ये जो ट्रांसफार्मर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर और एसएमडी डाइट और कैपेसिटर रजिस्टर कितना चीज लगा है एक आईसी के वजह से, एक आईसी न लगाने के वजह से इतना पार्ट्स लगाना पड़ता है, सर्किट लगाना पड़ता है। तो इसमें आईसी हम लोग लगाऊंगा 266 का आईसी लगाऊंगा, और पहले लगाने के पहले मैं अभी ये तो जल गया तो ये फ्यूज चेक करूँगा, डाइट चेक करूँगा, ये डाइट चेक करूँगा, सब चेक करने के बाद में सब, नहीं तो न्यू लगा देना, चेक करेंगे तो करेंगे नहीं तो न्यू सब लगा देना, और ये भी चेक कर लेंगे, ये फ्यूज है ब्लैक वाला ये भी चेंज कर लेंगे, और अभी लगा के ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये तो अभी करंट दिया तो ये पूरा शॉर्ट हो जाता है, अभी चेक करता हूँ। हेलो माय फ्रेंड, आप जो ये जो पीसी बोर्ड में मॉड्यूलर लगा था ये वाला, मैं जो आपको बताया था ये वाला जो लगा था, मैं इसको रिमूव करके मैं आपको दिखाया था क्या क्या लगा था, तो अभी इसको निकाल के मैं अभी इसको आईसी लगा दिया। ये वाला आईसी 266 का है, PNY 266N, ये आईसी लगा दिया। और जो पीसी बोर्ड जो मैं रिपेयरिंग करने के बाद में आईसी वोल्टेज आने के बाद में तभी भी ये ऑन नहीं हुआ, तो इसको मैं बता रहा हूँ ऑन क्यों नहीं हुआ। लेकिन वोल्टेज सही आ गया, सब कुछ सही आया, लेकिन काम नहीं किया। अभी ये तो ऑन है, अभी मैं अभी करंट दे दिया हूँ, ऑन करके दिखा रहा हूँ, अभी इसमें मोटर लगा के चालू करके दिखाऊंगा। और इसमें तो कारण था क्या, ये जो अभी जो देखे हैं क्रिस्टल का, तो ये इसमें अलग एक लगाया, ये वाला ख़राब हो गया था बोल के ऑन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वोल्टेज पहले नहीं आ रहा था, वोल्टेज आ गया तभी ऑन नहीं हुआ, तो इसको एक नया वाला डाला तब ये चालू हो गया। अभी मैं आपको मोटर लगा के दिखाऊंगा। और इसका कुछ और सोल्यूशन चाहिए तो मैं बता रहा हूँ मैं, लेकिन अभी इसमें क्या क्या चेंज किया, ये डाइट चेंज कर दिया, ये चार डाइट चेंज किया और ये आईसी लगा दिया, पीसी बोर्ड वोल्टेज आने लगा, चालू हो गया। और उसके बाद में तो ये ऑन नहीं हो रहा था, फिर तो इसको फिर मैं चेंज किया, चेंज करने के बाद में ऑन हो गया। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। ब्लोअर मोटर का जो E3 है, तो आपका जब भी E3 आ रहा है जब भी, तो आपका E3 जब आएगा ब्लोअर मोटर लगने के बाद में भी, इसका अलग से वीडियो है डाला हूँ, शायद नेक्स्ट वीडियो आपको बना के बता दूँगा और कैसे क्या रिपेयरिंग करते E3 सॉल्यूशन का। थैंक यू। मोटर मैं लगा चुका हूँ, मोटर अभी घूम रहा है, चल रहा है, और इसका आउटपुट का ये जो ब्राउन वायर है, तो अभी मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, देखिए करंट आ रहा है, चल रहा है, आउटपुट आ चुका है 3 मिनट के बाद, और पीसी बोर्ड सब ओके है। थैंक यू। कनेक्शन के बारे में देखिए, ये ब्लोअर मोटर का जो यहाँ पे लगता है ये आउटपुट हो गया 3 मिनट के बाद, और इनपुट ये वाला हो गया, और ये जो ब्लू हो जा रहा है ये वाला इसका कलर टाइप है वो न्यूट्रल है, और ये जो 3 मिनट के बाद चल रहा है